So, dear students, once again welcome in the online class of subject chemistry. Last video से हमने start किया है हमारी unit number 3 non-metallic engineering material. Last video में हमने पढ़ा paint के बारे में और आज हम हमारे next topic के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है varnish. आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसने varnish word सुना नहीं है या जिसको varnish के बारे में पता नहीं है. ठीक है, जब भी कोई लकड़ी का काम किया जाता है तो उस लकड़ी के काम को फिनिशिंग देने के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है वार्निश, क्योंकि वार्निश लगाने के बाद वो लकड़ी का जो सरफेस है वो अच्छे से चमकता है. कुछ कुछ लोग इस वार्निश को गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं, मतलब होली का वगैरह जो कलर होता है, जो होली में हम कलर खेलते हैं ना, तो कुछ कुछ लोग उस होली के कलर में ये वार्निश मिला देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. वार्निश इज़ अ वेरी वेरी हजार्डस केमिकल. वो अगर कंज्यूम हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, हमारे शरीर के ऊपर कुछ घाव वगैरह है और वो उसके साथ मिलके अगर खून तक पहुंच जाता है तो उसकी वजह से कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं. तो ऐसा आपको नहीं करना है. ठीक है, वो पार्ट हम बाजू में रखते हैं और हम हमारे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें इस वार्निश टॉपिक का जो है वो डेफिनेशन देखना है. तो वार्निश टॉपिक का डेफिनेशन ऐसा है, द होमोजेनियस कोलाइडल डिस्पर्शन सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन ऑयल और थिनर और बोथ. अब मैंने तो डेफिनेशन बोल दी लेकिन मे बी आप लोगों को नहीं समझ में आऊँगा, तो मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी. तो वार्निश की डेफिनेशन क्या है, मैं सिंप्लीफाइड डेफिनेशन आप लोगों को बता रही हूँ कि वार्निश इज अ होमोजेनियस कोलाइडल. वार्निश इज अ होमोजेनियस कोलाइडल डिस्पर्शन कोलाइडल डिस्पर्शन सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन ऑयल और थिनर और बोथ. तो इसके डेफिनेशन में ही इसके कंपोजिशन का नाम आ गया है. ठीक है, पहले हम वो नाम लर्न कर लेते हैं ताकि हमको डेफिनेशन लर्न करना आसान हो जाए. तो इसमें कौन सी चीज़ें होती है, तो एक होता है नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन. दूसरा, ये जो नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन होते हैं ये किसके साथ मिले हुए होते हैं, ये मिले हुए होंगे या तो ऑयल के साथ, मतलब नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन ऑयल, या फिर किसके साथ मिले हुए होंगे, थिनर के साथ, मतलब नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन थिनर, या फिर मिले हुए होंगे दोनों के साथ, मतलब उसमें नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन भी रहेगा, ऑयल भी रहेगा और थिनर भी रहेगा. ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है, ये जो कुछ भी मिक्सचर है, ये कैसा मिक्सचर होता है, तो इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर. अब होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या वो समझते हैं. होमोजेनियस का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसको देखने के बाद हम तुरंत आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है. मिक्सचर के दो मेनली प्रकार होते हैं, एक को कहा जाता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर और एक को कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर. मैं सिंप्लीफाइड जनरल अपने डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ. तो सपोज़ सब जन फरसान खाते हैं, चिवड़ा हम जिसको नेचुरल हमारे डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं हम, तो चिवड़ा देखने के बाद हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें मुरमुरा है, फुटाना है, उसके बाद पोहा है, सिंगदाना है, और भी प्याज है, कड़ी पत्ता है, बहुत सारी चीज़ें. तो उसको हम कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, हेटरोजीनियस. उसको हम कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, हेट्रोजीनियस. लेकिन अगर मैंने आप लोगों को कोई तो भी सोल्यूशन दे दिया जो पानी के जैसा दिख रहा है लेकिन पानी नहीं है, तो वो सोल्यूशन को देखने के बाद आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या कि वो सोल्यूशन क्या है. वो पानी भी हो सकता है, वो नमक का पानी भी हो सकता है, वो शक्कर का पानी भी हो सकता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है ना. तो जिस मिक्सचर को देखने के बाद हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें कौन से कंपोनेंट हैं, उस मिक्सचर को कहा जाता है होमोजेनियस. देन दूसरा वर्ड इसमें है कोलाइडल डिस्पर्शन. तो कोलाइडल डिस्पर्शन का मतलब होता है कि उसमें बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है कोलाइड,
जिनको क्या कहा जाता है, कोलाइड। और वो पार्टिकल्स किन चीज़ों के होते हैं, तो वो पार्टिकल होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन। तो वार्निश में जो कोलाइडल पार्टिकल वाला पोर्शन होता है, थोड़ा सा सॉलिड वाला पोर्शन होता है, वो होता है नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन, जिसको मिलाया हुआ होता है लिक्विड पोर्शन में। तो वो लिक्विड पोर्शन क्या हो सकता है, वो या तो सिर्फ ऑयल होगा, या तो सिर्फ थिनर होगा, या फिर ऑयल भी और थिनर भी, मतलब दोनों भी रहेंगे। और उसमें कौन एम्बेडेड रहेगा, नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन। तो ये हो गई है डेफिनेशन किसकी, वार्निश की। तो इसी के आधार पर ये जो कुछ भी वार्निश है, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं ऑयल वार्निश और एक को कहते हैं स्पिरिट वार्निश। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ वार्निश। तो अभी मैंने आपको बताया कि वार्निश दो तरह के होता है। एक होता है ऑयल वार्निश। तो ऑयल वार्निश में क्या रहेगा, नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन ऑयल। और दूसरा होता है स्पिरिट वार्निश। स्पिरिट वार्निश में क्या रहेगा, नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन थिनर। थिनर कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे, स्पिरिट। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ वार्निश के बारे में। अब हम दोनों को जो कुछ भी है वो पढ़ेंगे कि ऑयल वार्निश मतलब क्या और स्पिरिट वार्निश मतलब क्या, और साथ में हम उसका एग्जाम्पल जो है वो भी देखेंगे। हाँ, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो कुछ भी ऑयल वार्निश है इसमें क्या क्या रहेगा। तो इस ऑयल वार्निश में सबसे पहले क्या रहेगा, रेजिन। उसके बाद उसमें रहेगा ऑयल, और तीसरे उसमें रहेगा वोलाटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि हमको उसको पतला भी बनाना है ना, तो उसके लिए उसमें क्या रहेगा, वोलाटाइल सॉल्वेंट। देन स्पिरिट वार्निश, स्पिरिट वार्निश में क्या रहेगा, फिर रेजिन, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद ऑयल की जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, स्पिरिट। और तीसरा कंपोनेंट ये कॉमन है, वो रहेगा वोलाटाइल सॉल्वेंट। देन ये जो ऑयल वार्निश है इसका एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑयल वार्निश का जो एग्जांपल है वो है कोपाल वार्निश। ऑयल वार्निश का एग्जांपल क्या है, कोपाल वार्निश, ये नाम आपको याद रखना है। और ये जो स्पिरिट वार्निश है, स्पिरिट वार्निश उसका एग्जांपल है शेलैक वार्निश, शेलैक वार्निश। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि कोपाल, इट इज़ कोपाल नॉट गोपाल, ठीक है। तो कोपाल वार्निश मतलब क्या, तो कोपाल वार्निश जो है वो ऑयल वार्निश का एग्जाम्पल है, और शेलैक वार्निश जो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्पिरिट वार्निश का एग्जाम्पल है। तो ये हमने अभी पढ़ लिया है वार्निश के बारे में, वार्निश का हमको इतना ही चीज़ जो है वो पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश, पेंट और वार्निश के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पेंट और वार्निश के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम पेंट की डेफिनेशन लिख देंगे, और यहाँ पे किसकी डेफिनेशन आएगी, वार्निश की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेंट क्या है, तो पेंट है मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर ऑफ टू और मोर पिगमेंट इन व्हीकल। डेफिनेशन रहेगी मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर of two or more pigment in vehicle, उसे हम क्या कहते हैं, paint। और वार्निश की डेफिनेशन यही पर लिखी हुई है, वार्निश की डेफिनेशन, the homogeneous colloidal dispersion solution, किसका, ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन, किसमें, इन ऑयल और थिनर और बोथ, उसे हम क्या कहते हैं, वार्निश। ये हो गया पहला डिफरेंस का पॉइंट, पॉइंट नंबर वन। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि
ये जो कुछ भी पेंट होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट। लेकिन वार्निश में कभी भी पिगमेंट नहीं रहेगा। वार्निश इज़ अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड और पेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इट कंटेन्स पिगमेंट, इसमें पिगमेंट होता है जो इसमें नहीं होता। तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, इट डज नॉट कंटेन, इट डज नॉट कंटेन पिगमेंट। ठीक है, इसी से आधारित हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, कि अगर इसमें पिगमेंट होता है तो इसकी लेयर जो है वो कैसी होती है, ओपेक। इसकी लेयर कैसी होती है, ओपेक। अब ओपेक का मतलब क्या, ओपेक का मतलब जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते उसको कहा जाता है ओपेक। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ, एक ग्लास में मैंने पानी लिया है और एक ग्लास में मैंने दूध लिया है, मिल्क। तो पानी जिस ग्लास में लिया है उससे हम आर पार देख सकते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। लेकिन दूध भी लिक्विड है, लेकिन दूध के ग्लास में हमको आर पार दिखाई देता है क्या, नहीं, क्योंकि दूध की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, ओपेक। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपेक। तो पेंट की लेयर जो होती है कैसी होती है, इट्स लेयर इज ओपेक, OPAQUE। इसकी लेयर जो है वो कैसी होती है, ओपेक होती है। इसकी फिल्म जो है वो ओपेक होती है। लेकिन ये जो कुछ भी वार्निश होता है ना, इसकी लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, इट्स लेयर इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो जो भी सरफेस के ऊपर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उसको सिर्फ शाइनिंग जो है वो देता है। देन नेक्स्ट, ये जो कुछ भी पेंट होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड लाइट। हमने पेंट के कंपोजिशन में भी देखा है, पेंट के कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा है कि पेंट जो होता है वो हीट और लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बचाव करता है अंदर के मटेरियल का। लेकिन ये जो कुछ भी होता है वार्निश, ये इट कैनॉट रिफ्लेक्ट, इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट हीट एंड लाइट। वो हीट और लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। देन ये भी पॉइंट बहुत ही आसान है, जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर पेंट लगाते हैं तो वो पेंट की लेयर उस सरफेस को ढक देती है, मतलब अंदर क्या है ये हमको पता नहीं चलता, वो लेयर कैसी है, कैसी दिखती है, वो हमको पेंट लगाने के बाद पता नहीं चलता। लेकिन जब हम किसी चीज़ के ऊपर वार्निश लगाते हैं तो वार्निश की लेयर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो उस सरफेस को छुपाती नहीं है, सिर्फ उस सरफेस को शाइन दिलाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पेंट की लेयर लगाने की वजह से ये सरफेस को हाइड करता है, मतलब छुपाता है। इट हाइड्स द सरफेस, ये सरफेस को क्या करता है, हाइड करता है। लेकिन ये लेयर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इट डज नॉट हाइड द सरफेस, ये जिस सरफेस के ऊपर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं उसको हाइड नहीं करता। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश। आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा पेंट और वार्निश के बीच का। तो डियर स्टूडेंट, हमने हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल में जो पहला टॉपिक है पेंट एंड वार्निश वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में जानकारी लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।